सुखा काल माते बनी फिल्म शूटर नु बैन करवाउण लई गैंगस्टर राजीव राजा ने पंजाब सरकार अते प्रशासन अगे अपील कीती सी कि उस नु पे रोल ते छुट्टी दित्ती जावे। दस दईए कि इस वेले राजीव राजा नाभा दी सिक्योरिटी जेल विच पिछले 14 साल तों उम्र कैद दी सजा कट रहा है। तुहानू दस दईए कि उही गैंगस्टर राजीव राजा है जिसने गैंगस्टरां ते बनी फिल्म शूटर दे खिलाफ रिट दायर कीती सी, जिस ते सुनवाई तों बाद मानयोग हाई कोर्ट ने इस फिल्म नू बैन कर दिता सी। लुधियाणा दे पुलिस कमिश्नर दफ्तर विच राजीव राजा दे दो भरावां ने पत्रकारां नू इस संबंधी जानकारी दित्ती। मेरे ब्रदर दा जी, तुहाडे सामने बेनती करदा कि 14 साल तों सजा कट रहे जेल जी, नाभा जेल। पहले किथे सी? नाभा जेल ही सर, सजा भुगत रहे 14 साल दी। सर सारे ही कोरोना वायरस महामारी करके कैदियों को पैरोल से छुट्टी दी जाती है। सर उन्होंने 14 साल हो चुके हैं, मैं भी छुट्टी आया, मैं तो ब्रदर है जी, मैं भी सज़ा कट रहा हाँ। मैं कपूरथला जेल में सज़ा कट रहा हाँ। सर असी कमिश्नर साहब जी ने बेनती करते हैं हाथ जोड़ के कि पुलिस कस्टडी में ही उन्होंने छुट्टी कटाई जाए और सुधर का मौका दिता जाए। सर उन्होंने एक मंग पत्र दिता साहब ने साइन करके, तो क्या है भी कमिश्नर साहब दफ्तर जाके बेनती करो, रिक्वेस्ट करो, थोड़ी रिक्वेस्ट जरूर सुनी जाऊंगी। अज जी असं कमिश्नर ऑफिस पेश होना आए थे, कहते पेश नहीं होया जाना, गा दरखास्त दी जाऊगी, अभी दरखास्त डाक पाने लगे हैं जी। साड़ी बेनती है कमिश्नर साहब के अगे जी, साढ़े ब्रदर 14 साल के नाभे जेल में छुट्टी कट रहे जी, और जेल के रह रहे सज़ा कट रहे, ठीक है जी, उम्र कैद की। तो असं रिक्वेस्ट करते हैं सानू प्लीज़ उसनों पुलिस कस्टडी में छुट्टी कराई जाए। कोरोना वायरस करके भी छुट्टियां सारे मिल रही जी, ठीक है जी। उदा भी जी जो वायरस नहीं सी उदा भी खड़कों जी सबन छुट्टियां मिल रही थी जी, तो साढ़े ब्रदर जी प्लीज़ 14 साल हो चुके हैं, साड़ी यही रिक्वेस्ट है उन्होंने पुलिस कस्टडी में छुट्टी कटाई जाए, असं इन्हों बहुत धन्यवादी होवे जी। अच्छा जेल में मिले नहीं, जेल में इतने क्यों आए जाने? असं मिले से जी, उतो पत्र दिता जी छुट्टी नहीं होंगी पास हो रही जी सही तरह जी, असं पुष्ट पुलिस कस्टडी में छुट्टी कटानी चाहते हैं जी, कट सकते हैं राजीव राजा ने शूटर फिल्म बैन करवा के ठीक किया या नहीं, अते की राजीव राजा नू पेरोल मिलनी चाहिए है, तुसी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स विच जरूर दवो। लुधियाना तो प्रदीप भंडारे की रिपोर्ट।